हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म दी एजुकेशन फैकल्टी में बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन है। हम लोग एनसीईआरटी पर बात किया जा रहा था और एनसीईआरटी पर हम बात कर रहे हैं। आप जानते हैं कि हम लोग एनसीईआरटी का डेवलपमेंट के रूप में उठाया गया है कि इस तरह से एनसीईआरटी पढ़ा जाए कि आपको जो भारतीय इतिहास है एकदम बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाए। और हम लोग एनसीईआरटी की क्लास 12वीं की पुस्तक जो है उसको पढ़ रहे हैं। और 12वीं की पुस्तक में देखेंगे कि 3 भागों में वो पुस्तक है, भाग 1, भाग 2, भाग 3 करके। और इस प्रकार से देखेंगे कि प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास इन तीनों पार्टों में विभाजित है। ठीक है, तो भाग 1 हम लोगों का एकदम विधिवत तरीके से, बेहतरीन तरीके से हर एक चीज़ को डिटेल में विस्तार से पढ़कर वहाँ पर कम्प्लीट किया जा चुका है। तो उसको देखिए, चैनल पर चाहिए, वहाँ पर प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहाँ पर एनसीईआरटी क्लास 12 के इतिहास के लेकर वहाँ पर प्लेलिस्ट है। उसमें देखिए, उसमें पूरी जो वीडियो है डिटेल के रूप में एकदम इतिहास बताया जा चुका है। ठीक है, तो आप लोग पढ़ते रहिए और एनसीईआरटी पढ़ना बहुत ज़रूरी है। और हम लोग एनसीईआरटी के भारतीय इतिहास भाग 2 पर बात कर रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने बहुत सारे बातें कर चुके हैं। और आप देखेंगे कि आज हम लोग बात करेंगे शाही परिवार पर। ठीक है, शाही परिवार पर आज हम लोग बात किया जाएगा और देखा जाएगा कि शाही परिवार जो है जो मुग़लों का किस प्रकार से था। ठीक है, और इसके पहले हम लोग राजधानियाँ और दरबार के बारे में बात किया जा चुका है कि राजधानियाँ और दरबार किस प्रकार से बनाए जाते थे, किस प्रकार से होती थी, उसके बारे में हम लोगों ने बात किया है। ठीक है, तो एनसीईआरटी को आप जानते हैं कि हम लोगों ने एक हर एक प्रकार के जो भारतीय इतिहास के समाज में किस प्रकार से निर्माण कार्य प्रक्रिया चली और किस प्रकार से वहाँ पर चीज़ें देखने को मिल रही थी, चाहे जाति व्यवस्था हो, धार्मिक हो, राजनीति हो, चाहे आर्थिक व्यवस्था हो, चाहे किसी प्रकार का जो निर्माण की प्रक्रिया है, जैसे साम्राज्य बनना, समाज बनना, फिर इसके बाद जो लोग झोपड़ी से नगरों की तरफ, ग्रामीण व्यवस्था से नगरों की तरफ आए, नगरों से ग्रामीण व्यवस्था की तरफ गए, उन सारी बातों पर हम लोगों ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से बात किया है। ठीक है, तो आज हम लोग बात करेंगे भारतीय इतिहास भाग 2, शासक और इतिवृत्त, मुगल दरबार लगभग 16वीं और 17वीं शताब्दियाँ। ठीक है, तो इस पर हम लोग बात करेंगे। इसमें पहले हम आपको हेडिंग बता दे रहे हैं कौन सी हेडिंग पर हम लोग बात किया जाएगा। ठीक है, तो हम लोग बात करेंगे शाही परिवार पर। पहले हम आप लोगों को पुस्तक दिखा देते हैं किस पुस्तक का हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। इस पुस्तक को आप लोग हमेशा अपने पास रखिए और आज हम लोगों को बात करना है इस वाले हेडिंग पर। ठीक है, क्योंकि इसके पहले आप देखेंगे कि राजधानियाँ जो दरबार हैं, राजधानियाँ और दरबार, ये पूरे हम लोगों का विधिवत तरीके से कम्प्लीट हो चुका है। तो यहाँ पर आज हम लोगों को बात करना है शाही परिवार। और शाही परिवार के बारे में हम लोग जब बात किया जाएगा तो उसमें देखा जाएगा कि शाही परिवार में कौन कौन आते थे, उनके क्या क्या अधिकार होते थे और क्या उनके वहाँ पर जो बनाए जाते थे शाही परिवार, जो जिसमें लोग आ रहे हैं, शाही परिवार होता क्या था। ठीक है, और उनके अंडर में जो लोग आते थे, जैसे दास हो गए, दासियाँ हो गई, फिर उसके बाद शाही परिवार के लिए जो सैनिक सैन्य व्यवस्थाएँ थी, सुविधाएँ थी, उन सभी के बारे में इसमें बात किया गया है। और यहाँ पर एक बात आप लोग नोट डाउन कर लीजिए कि एनसीईआरटी जो है आप लोगों को एकदम बेसिक नॉलेज एकदम क्लियर करती है। ठीक है, और बेसिक नॉलेज का अर्थ ये है कि आप कोई भी पुस्तक या कोई भी सब्जेक्ट उठाकर पढ़ेंगे, विषय पढ़ेंगे, तो अगर उसका बेसिक नॉलेज अगर आप लोगों को क्लियर है, उसका जो आधार है अगर वो क्लियर है, तो उस जो विषय है वो आप लोगों को बहुत ही बेहतरीन तरीके से कंप्लीट समझ में आएगा। और जब तक कोई विषय आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है तो मान लीजिए कि आप लोगों को वो पढ़ाई व्यर्थ है। तो ऐसा पढ़िए कि आप लोग वहाँ पर उसमें इंटरेस्ट है, उसमें आप लोगों को मज़ा आए पढ़ने में। जब मज़ा आएगा तभी आप लोगों को वो किताबें अच्छी लगेंगी। ठीक है, और एनसीईआरटी जो है, एनसीईआरटी आप जब पढ़ेंगे तो जैसे लगेगा कि एनसीईआरटी जो है आप लोग उससे खुद ही बात कर रही है, वो आप लोगों को खुद ही बता रही है कि इस प्रकार से घटनाएँ घटित हो रही थी, इस प्रकार से चीज़ें हो रही थी और इस प्रकार से जो निर्माण कार्य चल रहे थे। ठीक है, तो हमने बहुत सारी मध्यकालीन भारत में हर एक चीज़ के बारे में बहुत सारी चीज़ें विधिवत तरीके से बात किया गया है। ठीक है, तो हम लोग प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ पर सारी चीज़ों का अध्ययन कर सकते हैं। और अध्ययन करिए क्योंकि पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। और जब शिक्षित रहेंगे ना तभी लोगों को शिक्षित कर पाएंगे। और शिक्षित होना बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि जिस प्रकार से भारत में वर्तमान समय में चीज़ें चल रही हैं, वहाँ पर शिक्षित होना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, तो वहाँ पर पढ़िए और समझने का प्रयास कीजिए। और भारतीय समाज को समझना तो बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि भारतीय समाज में अगर हम हैं, भारतीय समाज को नहीं समझ रहे हैं, तो हमारा कोई मतलब ही नहीं है कि भारतीय समाज में हम लोग
रहे। ठीक है, तो मुगलों का जो शाही परिवार था, ठीक है, तो मुगलों का जो शाही परिवार है तो उसमें आप देखेंगे कि शाही परिवार में कौन कौन लोग आते थे। शाही परिवार में आप देखेंगे कि वो सभी लोग आते थे कि जो राजा है, जो शासक वर्ग है, उससे रिलेटेड जो चीज़ें हैं, उससे रिलेटेड जो लोग हैं, जैसे कि एक परिवार में कौन कौन लोग आते हैं, जैसे चाचा चाची, नाना नानी, मामा मामी, भाई बंधु, ठीक है, दोस्त मित्र, वहाँ पर जो दास दासियाँ होते थे वो सारे लोग जो हैं शाही परिवार के हिस्सा होते थे। और यहाँ पर देखेंगे कि शासक वर्ग जो है कई शादियाँ भी करते थे, और जो मुगलों का जो शादी विवाह है, जो वैवाहिक संबंध है, वो राजपूतों से बहुत ही ज़्यादा बना। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कि क्या इसमें किस चीज़ के बारे में बताया जाए कि जो शाही परिवार में लोग आते थे और शाही परिवार के बारे में जो जानकारियाँ मिलती हैं वो इसमें बात किया गया है कि कौन कौन लोग थे और कौन कौन लोग उसमें आते थे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कि हरम शब्द, हरम शब्द का प्रयोग प्रायः मुगलों के घरेलू दुनिया को संकेत करते हैं। यह शब्द फारसी से निकला है। कहाँ से निकला है? हरम शब्द फारसी से निकला है। हरम शब्द फारसी से निकला है जिसका अर्थ होता है पवित्र स्थल। ठीक है, यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं, आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए। हरम शब्द कहाँ का है? फारसी से है, और जिसका शाब्दिक अर्थ है पवित्र स्थल। ठीक है, पवित्र स्थल। अगर इस तरह से आप लोग जो छोटे छोटे वर्ड होते हैं, शब्द होते हैं, उसको आप लोग नोट डाउन करते रहेंगे ना, तब लोगों को जो एग्ज़ाम देना होगा, UPSC जो हाई लेवल के एग्ज़ाम्स हैं, UPSC हो गया, UPPSC हो गया, या स्टेट PSC हो गए, उसमें क्या होता है कि उसमें इस तरह के शब्दों का प्रयोग किया जाता है कि इसका शाब्दिक अर्थ क्या लिया जाता है। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग फर्स्ट शब्दों को एक तरह की जगह पर नोट डाउन करते रहें, जिससे आप लोगों का नोट जो है बेहतरीन तरीके से तैयार होता रहेगा। ठीक है, तो इसमें देखिए मुगल परिवार में बादशाह की पत्नियाँ, उपपत्नियाँ, उनके उसके नज़दीकी और दूर के रिश्तेदार, जैसे माता, सौतेली व उपमाताएं, बहन, पुत्री, बहू, चाची, मौसी आदि बच्चे, यानी कि वो सभी लोग आते थे कि जो शासक वर्ग से संबंधित हैं। ठीक है, उसमें कोई भी हो सकता है। ठीक है, वो महिलाएं परिचारिकाएं, महिलाएं परिचारिकाएं का अर्थ यहाँ पर देखिए, परिचारिका का जो अर्थ है वो दास दासियों से ही लिया जाता है, और गुलाम, गुलाम जो पुरुष होते थे, गुलाम उनकी सेवा में रहते थे, उसके लिया गया है। और परिचारिकाएं जो हैं ये हमेशा महारानियों के, रानियों के सेवाओं में लगी होती थी, गुलाम जो है शासकों के सेवा में लगे होते थे। ठीक है, और बहुविवाह प्रथा भारतीय उपमहाद्वीप में विशेषकर, यानी कि बहुविवाह तो मान लीजिए कि हमारे धर्मशास्त्रों में भी देखने को मिलता है, रामायण महाभारतों में भी देखने को मिलता है, और बहुत शासक वर्ग जो है प्राचीन काल से आप देखेंगे कि मध्यकालीन तक वहाँ पर बहुविवाह बहुत ही ज़्यादा प्रचलित था। ठीक है, और यहाँ पर देखिए कि बताया गया कि राजपूत कुलों एवं मुगलों दोनों के लिए विवाह राजनीतिक संबंध थे, वह मैत्री संबंध स्थापित करने का एक तरीका थे। तो वही हमने आपको बताया कि जो वैवाहिक संबंध है, वैवाहिक संबंध में क्या होता था कि अगर कोई शासक वर्ग है किसी शासक वर्ग के पुत्री से विवाह कर लेता है तो वहाँ पर उनके बीच मैत्री संबंध हो जाता था। अगर कोई आक्रमण उस पर कर रहा है, किसी एक पर आक्रमण करेगा, तो वहाँ पर वो दोनों लोग मिलकर उसका सामना करेंगे। इसलिए यह जो राजनीतिक स्थिरता है, जो राजनीतिक वहाँ पर दृढ़ता है, उसको वैवाहिक संबंध से जोड़ने का प्रयास किया गया। ठीक है, तो वैवाहिक संबंध इस तरह से देखिए कि वैवाहिक संबंध जो है मैत्री संबंध की तरह ही होते थे, और वहाँ पर जो रिश्ता बन जाता था तो वहाँ पर एक दूसरे के दोस्त हो जाते थे, और वो दोनों लोग एक दूसरे की मदद करते हुए आगे बढ़ते थे। तो इसीलिए मुगलों ने, यहाँ पर देखेंगे कि मुगलों की जो संख्या है वो तो बहुत कमज़ोर थी, और राजपूत शासक जो हैं उस समय मध्यकालीन भारत में बहुत तेज़ी से ऊपर बढ़ रहे थे। तो देखेंगे कि कछवाहा वंश का, ठीक है, अकबर का जो पहला जो शादी हुआ कछवाहा वंश में हुआ। ठीक है, कछवाहा वंश की जोधा भाई से हुआ था। ठीक है, जोधा भाई, ठीक है, जोधा भाई से शायद हुआ था, इसी इन्हीं से शायद हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कि जो वैवाहिक संबंध है मुगलों का राजपूतों से बहुत ही ज़्यादा घनिष्ठ हुआ। ठीक है, और इसके बारे में यहाँ दिखाया जा रहा है, बताया जा रहा है इस वाले पैराग्राफ में कि जो वैवाहिक संबंधों से जो राजनीतिक स्थिरता, जो राजनीतिक दृढ़ता मिलती थी राज्य को, वो इसमें बताया गया कि वो किस प्रकार से मिलती थी, जो हमने अभी आपको बताया। यहाँ देखिए कि मुगल परिवार में शाही परिवारों में आने वाली स्त्रियों, बेगमों और अन्य स्त्रियों अगहा, ठीक है, जिनका जन्म कुलीन परिवार में नहीं हुआ है, में अंतर रखा जाता था। जैसे कि मुगल परिवार में जो शाही परिवार है उसमें जो स्त्रियां हैं, जो या रानियां हैं, उसमें ये देखा जाता था कि वो कौन से जो है, कि जैसे कि मान लीजिए कि एक उच्च परिवार में जन्मी हुई स्त्री है या निम्न परिवार में जन्मी हुई स्त्री है, तो जो निम्न परिवार में जन्मी है उसको क्या बोला जाता था? अगहा बोला जाता था। ठीक है, निम्न परिवार में स्त्रियाँ, यहाँ पर ये सारी बातें आप लोग नोट डाउन करते रहें, परिवार में, परिवार की स्त्रियाँ,
ठीक है, अगर वहाँ पर परिवार की स्त्रियाँ अगर इनसे विवाह संपन्न होता है तो उनको क्या बोला जाता था, अगहा। ठीक है, अगहा। ठीक है, अभी अगहा आ गया, इसके बाद अगाचा भी आएगा। अगाचा उस तरह से दिखा जाता है कि उन उप पत्नियों के बारे में बात किया जाता है। ठीक है, तो अगहा क्या आता था, जो निम्न कुल में जन्म ले रही हैं स्त्रियाँ और वो शाही परिवार का हिस्सा बन रही हैं तो उनको अगहा बोला जाता था। ठीक है, इस प्रकार से फिर यहाँ देखिए, और दहेज अंतर रखा जाता था अधहा अगहा, और वहाँ पर जो शाही परिवार की स्त्रियां हैं उन दोनों में अंतर होता था। और यहाँ पर दहेज, दहेज यानी कि मेहर। ठीक है, मुसलमानों में देखेंगे कि इस्लाम धर्म में जो दहेज की जो प्रथा है उसको मेहर बोला जाता है। मेहर एक राशि होती है कि एक लड़की की तरफ से एक राशि दी जाती है लड़के को कि अगर कभी भविष्य में अगर वो लड़की तलाक लेती है, लड़का तलाक लेता है, तो वो मेहर की राशि ही सिर्फ वहाँ पर वापस की जाती है। तो इस प्रकार से मेहर एक राशि होती है जिसको वहाँ पर दहेज के रूप में लिया जाता है। और मान लीजिए कि जो हिंदू धर्म है वहाँ पर डायरेक्ट ही वहाँ पर दहेज लिया जाता है, इस प्रकार से चीज़ें देखने को मिलती है हिंदू और मुस्लिम में। दहेज के रूप में अच्छा खासा नगद और बहुमूल्य वस्तुएं लेने के बाद विवाह करके आई बेगमों को अपने पतियों से स्वाभाविक रूप में अगाहों की तुलना में अधिक ऊँचा दर्जा सम्मान मिलता है। ठीक है, वही बातें हैं कि अगाहों से जो उच्च कुल की औरतें हैं शाही परिवार में आ रही हैं, वहाँ पर रानियाँ बन रही हैं, तो उनको अलग ही दर्जा मिलता था। ठीक है, राजतंत्र से जुड़े महिलाओं के पदानुक्रम में उप पत्नियों, यहाँ पर देखिए कि जो शासकों की उप पत्नियाँ हैं, उप पत्नियाँ। ठीक है, उप पत्नियों को क्या बोला गया है, अगाचा बोला गया है। उप पत्नियों को अगाचा बोला गया है। ठीक है, यानी कि एक रानी हो गई जो पटरानी की तरह हो गई जिसको बेगम बोला गया। ठीक है, और जो उसके बाद उप पत्नियाँ हो गईं वो आपके अगाचा में आ गईं, और जो उसके बाद जो स्त्रियाँ हैं निम्न कुल की शाही परिवार से जुड़ रही हैं उनको क्या बोला गया, अगाहा बोला गया। ठीक है, तो यहाँ पर तीन चीज़ें हैं, बेगम, स्त्रियों को लेकर शाही परिवार में शासकों के संबंध में तीन चीज़ें हैं। बेगम सबसे ऊपर, फिर उसके बाद अगाहा आ जाएगा, अगाहा। ठीक है, वैसे अगाहा नहीं आना चाहिए, वहाँ पर अगाचा आना चाहिए, इसके पहले अगाचा आएगा। ये तो पत्नियाँ हो गई, यहाँ पर हम लिख देते हैं अगाचा आ जाएगा, उप पत्नियाँ हो गई, अगाचा, और फिर उसके बाद अगाहा। ठीक है, अगाहा। ठीक है, तो इस प्रकार से इनका स्थान जो शासक वर्ग में है शाही परिवार में सबसे ज़्यादा होता था। इसके बाद आप देखेंगे कि अगर बेगम के बाद वहाँ पर अगर इन दोनों की स्थितियाँ भी अगर सही हैं, अगर इन दोनों की स्थितियाँ सही हैं तो वो भी आपके बेगम बनने के लिए बन सकती हैं। अगर इन दोनों में अगर इसकी स्थिति ख़राब हो गई, अगर ये मान लीजिए किसी आकस्मिक कारण से वहाँ पर उपस्थित नहीं है, मृत्यु हो गई या कुछ अन्य और हो गया, तो वहाँ पर अगाचा और अगहा में से भी वहाँ पर बेगम की पदवी पा सकती है, ये भी यहाँ पर देखने को मिलता है। जैसे यहाँ का देखिए कि उप पत्नियों की भी स्थिति निम्न थी, इन सभी को नगद मासिक भत्ता तथा अपने दर्जे के हिसाब से उपहार मिलते थे। वंश आधारित पारिवारिक ढांचा पूरी तरह से स्थायी नहीं था। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कि यदि पति की इच्छा हो और उसके पास पहले से ही चार पत्नियाँ न हो तो अगाहा और अगाचा भी बेगम की स्थिति पा सकती थी। ठीक है, वही बात है कि जो हमने आपको बताया कि अगर बेगम नहीं है तो अगाचा और अगाहा भी वहाँ पर बेगम की स्थिति पा सकती थी। ठीक है, तो प्रेम तथा मातृत्व ऐसी स्त्रियों का विधि सम्मत विवाह पत्नियों के दर्जे तथा तक पहुंचने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते थे। ठीक है, तो इस प्रकार से देखिए कि जो शाही परिवार है उसमें पत्नियों और पति यानी कि शासक और रानियों के बारे में ये तीन पैराग्राफ में दिया गया है। शादी विवाह और जो पति पत्नियाँ बनेंगे और कौन सी पत्नियाँ किस रूप में आती थी, कौन सी महिला किस रूप में देखा जाता था, उनमें क्या अंतर होता था, इन तीनों बेगम अगाहा अगाचा में तीनों में अंतर होता था। ठीक है, तो अब यहाँ पर आप देखिए कि जो इसके बाद का जो पैराग्राफ है इसमें आप देखेंगे कि शाही परिवार के जो अन्य स्त्रियाँ हैं जैसे कि बेटी हो गई, फिर जो ऊपर के जो लोग चाचा चाची जो चाची हो गई, फिर उसके बाद जो बहन हो गई बड़ी बहन हो गई, वो लोग अब आएंगे। ठीक है, तो पत्नियों के अतिरिक्त मुगल परिवार के अनेक महिला तथा पुरुष गुलाम होते थे। वे साधारण से साधारण कार्य से लेकर कौशल निपुणता तथा बुद्धिमत्ता के अलग अलग कार्यों का संपादन करते थे। गुलाम हिजड़े ख्वाजासार परिवार के अंदर और बाहर के जीवन रक्षक नौकर और व्यापार में दिलचस्पी लेने वाली महिलाओं का एजेंट होते थे। यहाँ पर देखिए कि जो किन्नर समुदाय है, किन्नर इसमें हिजड़े की बात किया जा रहा है कि किन्नर यानी कि हिजड़े,
और इसको जो मुगलों के शब्दों में क्या कहा गया, ख्वाजा शार, ख्वाजा सर, ख्वाजा सर इसको बोला गया है। और ये लोग क्या करते थे कि परिवार के अंदर और बाहर, ठीक है, परिवार के अंदर और बाहर जीवन में रक्षक, नौकर, व्यापार में दिलचस्पी लेने वाली महिलाओं के एजेंट होते थे। तो ये लोग क्या कहते हैं कि अन्य महिलाओं पर उनके एजेंट होते थे, अन्य महिलाओं पर एजेंट होते थे। और अभी आप एक मूवी आई है संजय लीला भंसाली की, अभी हाल ही की मूवी है, वहाँ पर आप देखिए कि जो मूवी बनाई गई है संजय लीला भंसाली की, हीरा मंडी करके है, हीरा मंडी एक वेब सीरीज है, ठीक है। इसमें आप देखिए कि ये भारत की आज़ादी में, भारत की आज़ादी में तवायफों का जो योगदान है, ठीक है, ये तवायफों पर बनाई गई मूवी है। और इसको देखिए कि भारत की आज़ादी में जो 1947 की आज़ादी हुई भारत में, 1947 की आज़ादी में, और ये कहानी है लाहौर की, लाहौर के नवाबों और तवायफों के मध्य संबंध जो हैं उसके बारे में बात दिखाया गया इसमें। तो यहाँ देखिए कि तवायफों को की जो भारत की आज़ादी में योगदान है, तो वहाँ पर उनकी किस प्रकार से वो चीज़ें देखने को मिल रही हैं, उसमें भी इनका रोल देखने को मिलता है। ये भी यहाँ पर भी जो यहाँ पर किन्नर समुदाय है, यहाँ पर भी इस वेब सीरीज में भी वहाँ पर इनका जो एजेंट के रूप में देखने को मिलता है, ठीक है। तो वही बात कहा जा रहा है कि मुग़लों में भी, कि मुग़लों में जो अन्य महिलाएं थीं उनके एजेंट के रूप में किन्नर समुदाय कार्य कर रहे थे, जिनको ख्वाजा सर बोला गया, ठीक है। तो इस प्रकार से चीज़ें वहां पर देखने को मिला था। जो एजेंट होते थे वो हर प्रकार की जानकारियाँ इकट्ठा करके जिनके एजेंट होते थे वो वहां पर ले जाते थे। तो एजेंट का तो यही कार्य है ना कि वो अपने जो जिसके एजेंट हैं वहां पर उसको सारी जानकारियाँ दे। तो वही कार्य जो है यहाँ पर किन्नर समुदाय कर रहा था, ठीक है। तो यहाँ देखिए कि नूर जहाँ के बाद मुग़ल रानियों और राजकुमारियों ने महत्वपूर्ण वित्तीय स्रोतों पर नियंत्रण रखना शुरू कर दिया। शाहजहाँ के पुत्रियों जहाँ आरा और रोशन आरा को ऊँचे शाही मनसबदार के समान वार्षिक आय होती थी। इसके अतिरिक्त जहाँ आरा को सूरत के बंदरगाह नगर, जो कि विदेशी व्यापार का लाभप्रद केंद्र था, यहाँ पर सूरत के बारे में बात किया जा रहा है। तो यहाँ पर देखिए कि सूरत का जो बंदरगाह है वो कौन सा सकता था, तो कांडला बंदरगाह होगा, ठीक है, कांडला बंदरगाह, या वहाँ पर कोई अन्य सूरत बंदरगाह होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ देखिए जो कि विदेशी व्यापार के एक लाभप्रद केंद्र था, से राजस्व प्राप्त होता था। और कहाँ से, सूरत के बंदरगाह से किसको राजस्व प्राप्त होता था, रोशन आरा को, ठीक है, रोशन आरा का, सॉरी, रोशन आरा ने जहाँ आरा को वहाँ पर सूरत के बंदरगाह से राजस्व प्राप्त होता था, ठीक है। तो अगर ये प्रश्न पूछ ले कभी यूपीएससी में स्टेटमेंट के रूप में कि सूरत के बंदरगाह से मुग़लों के किस राजकुमारी को वहाँ पर राजस्व प्राप्त होता था, तो वो कौन है, जहाँ आरा है, ठीक है। और जहाँ आरा कौन थी, वहाँ पर देखिए कि जहाँ आरा जो है शाहजहाँ की पुत्री थी, ठीक है, ठीक है। यहाँ देखिए कि संसाधनों पर नियंत्रण ने मुग़ल परिवार के महत्वपूर्ण स्त्रियों को इमारतों और बागों के निर्माण का अधिकार दे दिया। जहाँ आरा ने शाहजहाँ की नई राजधानी शाहजहानाबाद, यहाँ पर एक ध्यान दीजिए कि शाहजहानाबाद का जो स्थापना किया गया था वो शाहजहाँ के द्वारा किया गया था, और यहाँ पर शाहजहानाबाद ही वर्तमान समय में दिल्ली है, ठीक है, इसको भी ध्यान दीजिए, ठीक है, कि शाहजहानाबाद की कई वस्तु कलात्मक परियोजनाओं में हिस्सा लिया। इसमें से आंगन व बाग के पास एक दो मंजिली भव्य कारवां सराय थी, कारवां सराय, यहाँ पर देखिए आंगन व बाग के साथ एक दो मंजिली भव्य कारवां सराय थी। और शाहजहाना के हृदय स्थल चांदनी चौक की रूपरेखा भी जहाँ आरा ने तैयार की थी, यानी कि जो दिल्ली का चांदनी चौक है, ठीक है, दिल्ली का चांदनी चौक, और इसका जो रूपरेखा जो तैयार किया गया था जहाँ आरा के द्वारा तैयार किया गया था, ठीक है, जहाँ आरा के द्वारा तैयार किया गया था, ठीक है, यानी कि जो इसका निर्माण कार्य जहाँ आरा के नेतृत्व में किया गया है, ठीक है। इस प्रकार से देखिए कि जो मुग़ल स्त्रियां हैं वो कितने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं शासक वर्ग में, ठीक है, और शासन प्रशासन में जो वहाँ पर स्त्रियों की भूमिका है वो देखिए कि कितनी ज़्यादा है। और यहाँ देखिए कि गुलबदन बेगम द्वारा लिखी गई एक रोचक पुस्तक हुमायूं नामा जो है गुलबदन बेगम के द्वारा लिखा गया है, जो हमें मुग़लों की घरेलू दुनिया की एक झलक मिलती है, जिससे हमें मुग़लों की घरेलू दुनिया की झलक मिलती है। और गुलबदन बेगम थी कौन, गुलबदन बेगम देखिए कि बाबर की पुत्री थी, हुमायूं की बहन और अकबर की चाची, ठीक है। यहाँ पर देखिए कि गुलबदन बेगम जो है बाबर की पुत्री है, हुमायूं की बहन है और अकबर की चाची है, ठीक है।
तो इस प्रकार से देखिए, यानी कि गुलबदन बेगम का जो भाई है वो हुमायूं है, ठीक है, और गुलबदन बेगम का जो भतीजा है वो कौन होगा, वो अकबर होगा। देखिए, ठीक है, या देखिए कि गुलबदन बेगम, गुलबदन जो है स्वयं तुर्की एवं तथा फारसी भाषा में धारा प्रवाह लिख सकती थी। जब अकबर ने अबुल फजल को अपने शासन का इतिहास लिखने के लिए नियुक्त किया तो उसने अपनी चाची से बाबर और हुमायूं के समय के अपने पहले संस्मरणों को लिपिबद्ध करने का आग्रह किया ताकि वह अबुल फजल उनका लाभ उठाकर अपनी कृति को पूरा कर सके। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कि अबुल फजल ने किसकी रचना की है, अबू फजल ने वहाँ पर देखिए कि अकबरनामा की रचना की है, और अकबरनामा 3 अध्यायों में है, और तीसरे अध्याय का नाम जो है आईने अकबरी है, जिसमें मुगल शासन प्रशासन के बात किया गया है। और यहाँ पर जो पहला अध्याय है उसमें जो मुगलों का इतिहास मिलता है तो उसको पूरा करने के लिए अकबर ने अपने चाची गुलबदन को वहाँ पर अपने संस्मरणों में से हुमायूं और बाबर की जो चीज़ें हैं वहाँ पर बताने के लिए या इकट्ठा करने के लिए कहा था, जिससे वहाँ पर अबू फजल जो है अपने अकबरनामा को पूरा करने में मदद ले सके। तो यहाँ पर देखिए कि जो महिलाओं की स्थिति है, जो महिलाओं का जो यहाँ पर कार्य है, जो महिलाओं की भूमिका है, वो कितनी ही ज़्यादा महत्वपूर्ण देखने को मिलती है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इसमें तो गुलबदन इसमें जो बताया गया है वो गुलबदन के बारे में बताया गया है कि वो किस प्रकार से चीज़ें देखने को मिलती है। तो यहाँ पर देखिए गुलबदन ने जो लिखा वो मुगल बादशाहों की प्रशस्ति नहीं थी, बल्कि उसने राजाओं और राजकुमारों के बीच चलने वाले संघर्षों और तनाव के साथ ही इनमें से कुछ संघर्षों को सुलझाने में परिवार की उम्रदराज स्त्रियों की महत्वपूर्ण भूमिकाओं के बारे में विस्तार से लिखा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कि जो महिलाओं की स्थिति है, जो शाही परिवार है, कितने बेहतरीन तरीके से यहाँ पर जो एनसीईआरटी है बताती है। ये शाही महल देखिए फतेहपुर सीकरी के आंतरिक कमरों का एक हिस्सा है। शाही महल देखिए कि फतेहपुर सीकरी का जो अकबर द्वारा बनाया गया था महल जो है वहाँ पर देखिए, और फतेहपुर सीकरी तो आप देखिए कि यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में भी शामिल है। और आपको बताना है कि फतेहपुर सीकरी को यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में 20 वर्ष शामिल किया गया था, इसको हमने बताया है। वहाँ पर देखिए कि जो GS कैप्सूल्स हैं, जो वहाँ पर समान अध्ययन श्रृंखला है, उसमें हमने इसको बताया है। तो वहाँ पर देखिए, और यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर किस प्रकार से शाही नौकरशाही के बारे में बात किया गया है, यहाँ पर किस प्रकार से शाही दरबार, शाही परिवार है वहाँ पर देखने को मिल रहा है इस चित्र में। देखिए, तो चित्रों को देखते रहिए, समझते रहिए कि क्या क्या चीज़ें जो है इसमें देखने समझने वाली बातें हैं, और बाकी चीज़ें हम लोग डिटेल से पढ़ लेते हैं, यहाँ पर हर एक चीज़ के बारे में जानकारी ले लेते हैं। तो इस तरह से आप लोग जब पढ़ते रहेंगे तो आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा चीज़ें समझ में आएगी, और NCERT पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि NCERT जो है एक सब्जेक्ट है, और जो NCERT किसे कोई भी सब्जेक्ट आप पढ़ेंगे तो आप लोगों का बेसिक से तैयार कराएगी। और हमने NCERT तो आप देखेंगे कि पाषाण काल से लेकर वहाँ पर मध्यकालीन भारत में आए हैं, हर एक चीज़ के देखते हुए। और यहाँ पर देखिए कि जो शाही परिवार है वहाँ पर हम लोगों का चैप्टर ख़त्म होता है, हेडिंग ख़त्म होता है, और कल हम लोग बात करेंगे शाही नौकरशाही के बारे में। और यहाँ पर देखा जाएगा कौन कौन से पद जो होते थे शाही नौकरशाही में देखने को मिले। ठीक है, तो शाही नौकरशाही, और ये अब देखेंगे कि बहुत ही कम लेक्चर बचे हैं, 1-2 लेक्चर यहाँ पर और आने चाहिए, और इस तरह से यहाँ पर ये पूरा किताब भाग दो भी NCERT का पूरा हम लोगों का कम्प्लीट हो जाएगा, यानी कि हम लोग मध्यकालीन भारत और प्राचीन भारत हम लोग एकदम विधिवत तरीके से कम्प्लीट कर लेंगे। तो यहाँ पर शाही परिवार के बारे में हम लोगों ने जो चीज़ें बात की, तो वहाँ पर देखिए कि महिलाओं की स्थिति किस प्रकार से है। ठीक है, वहाँ पर महिलाओं की स्थिति किस प्रकार से है और उसको समझने का प्रयास कीजिए, क्या उसको आप तुलना कीजिए भारतीय समाज से, क्या उस तरह की जो चीज़ें महिलाओं के बारे में वर्तमान समय देखने को मिलती हैं या प्राचीन काल में देखने को मिलती हैं। तो अगर इस तरह से आप लोग तैयार करते रहेंगे, इस तरह से तुलना करते रहेंगे, तब आप लोगों को जो समझ में आएगा वहाँ पर जो सामाजिक चीज़ें हैं, समाज में जो स्त्रियों की स्थिति है, वो बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। और अगर वहाँ पर नारी सशक्तिकरण को लेकर कोई निबंध लिखने को आ रहा है तो इस तरह से आप इंटरकनेक्ट करके वहाँ पर बहुत सारी चीज़ों को उसमें ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से पढ़ते रहिए और अपने पढ़ाई को एकदम विधिवत तरीके से, बेहतरीन तरीके से लेकर चलिए। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर कल बात करेंगे शाही नौकरशाही के बारे में। तो यहीं पर अपने वाणी को विराम देता हूँ, मिलता हूँ अगले लेक्चर में, और आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, अपने पढ़ाई को सही दिशा निर्देशन में लेकर चल रहे होंगे, और वर्तमान स्थिति को देखते हुए जो एजुकेशन का माहौल बन चुका है, जिस प्रकार से एग्जाम्स हो रहे हैं और एग्जाम्स की जो विफलता के कारण बन रहे हैं, उसको ध्यान में रखते रहिए, बहुत ही एकदम विधिवत तरीके से पढ़ाई करते रहिए कि अगर कभी भी मौका मिले तो मौका हाथ से निकल
ना जाए, ठीक है। अगर उस तरह से आप लोग तैयारी को लेकर चलेंगे तो निश्चित ही एक दिन सफलता हासिल होगी। तो आप लोग पढ़ते रहिए, अपनी पढ़ाई को सही दिशा निर्देशन अच्छे तरीके से करते रहिए। और यहाँ पर मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ, मिलता हूँ अगले लेक्चर में, नेक्स्ट लेक्चर में इसी तरह से NCERT के शानदार पहलुओं के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।